फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स या फिर डिजिटल साइनोवियल शीट्स भी कहते हैं इसे। और ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं है, आसान है। तो होता क्या है, ये जैसे हमारी फिंगर है, ठीक है, हमारी फिंगर के अंदर टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं। तो हमारी जो फिंगर्स हैं थंब को छोड़ के, उनके अंदर क्या होता है, दो टेंडन्स होते हैं। एक तो होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फिर होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है। अब इसको कवर करती है एक शीट जिसको हम कहते हैं फाइब्रस फ्लेक्सर शीट। तो डीप फेशिया ऑफ द फिंगर जो है वो हमारे लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स के ऊपर आर्च करता है, जो फिर वो बना देता है फाइब्रस फ्लेक्सर शीट, ठीक है। सिर्फ ये डायग्राम देखना है, इसके ऊपर अभी आर्च करा तो फिर ये जो है ना, ये है हमारी फाइब्रस शीट्स। अब इसके अंदर दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक होता है क्रूशिएट फाइबर्स, ये हुए क्रूशिएट फाइबर्स जो क्रॉसिंग कर रहे हैं, और एक हो गए ट्रांसवर्स फाइबर्स, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ हमारे फाइबर्स होते हैं और ये इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं इसकी अटैचमेंट। तो प्रॉक्सिमली मींस जो हमारे मीडियन के पास हो, तो जैसे ये है पाल्मर एपिनेरोसिस का डायग्राम था, तो इसके अंदर जो देखो प्रॉक्सिमली इसकी क्या है, प्रॉक्सिमली इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्लिप ऑफ पाल्मर एपिनेरोसिस। तो ये पाल्मर एपिनेरोसिस था, ये हमारी फ्लेक्सर फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स है, ये हो गई इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, और टर्मिनल अटैचमेंट क्या होगी इसके, डिजिटल फैलेंग्स, ठीक है। तो ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए, इसकी अटैचमेंट्स हो गई है, ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया, ये हमारा फ्लेक्सर टेंडन्स का था। शीट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे होगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो शीट है उसके अंदर दो टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, क्रूशिएट एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। ये फाइब्रस शीट है ना, तो फाइब्रस शीट इज़ थिक ओवर द फैलेंजेस एंड थिन ओवर द इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स टू परमिट फ्लेक्शन, क्योंकि मूवमेंट करनी है। अब सीट को अगर ऐसे ही रखेंगे हर जगह तो फिर मूवमेंट में दिक्कत आएगी, तो इस वजह से जो ये हमारे इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं यहाँ पे जो है फाइबर शीट इज़ वेरी थिन और बाकी सब जगहों पे थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो भाई ये फ्लेक्सर शीट जो है वो बनाती है ओशियो फेशियल टनल। अब ओशियो फेशियल टनल क्या होती है, जो हमारी जो हमारी फिंगर्स की बोन्स होती है और जो हमारी फाइब्रस और जो हमारी फाइब्रस शीट होती है, तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं ओसियो फेशियल टनल। अब उसके अंदर क्या क्या होंगे, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स होंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी फोर फिंगर्स हैं, जैसे ये डायग्राम है देखो, तो हमारी जो फोर फिंगर्स हैं इनके अंदर तो हमारे टेंडन्स कौन कौन से होंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो हमारे ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और डिजिटोरम प्रोफंडस होते हैं हर एक डिजिट में, लेकिन जो हमारा टनल होती है थंब की उसके अंदर होता है सिर्फ फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। तो जो ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का टेंडन था वो है थंब में, ठीक है। और बाकी सब जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये चारों डिजिट्स के अंदर ये वाले टेंडन्स हैं, ठीक है। और इन, अब ये हो गया फाइब्रस शीट, तो इसका फंक्शन क्या होता है, फाइब्रस शीट का फंक्शन क्या होता है, होल्ड करना टेंडन को पोजीशन में ड्यूरिंग फ्लेक्सन, ठीक है। अब फ्लेक्सन से याद आया कि जो इसको डिजिटल साइनोवियल शीट क्यों कहा गया है, डिजिटल तो मतलब कि डिजिटल डिजिट्स के हैं, और साइनोवियल शीट क्यों कहा गया है, क्योंकि साइनोवियल शीट्स जो होती है ना वो प्रेजेंट होती हैं टेंडन्स पे जहाँ पे लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से जो ये फाइब्रस शीट्स हैं ये साइनोवियल शीट भी है, क्योंकि फिंगर्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चाहिए ही है, तो इस वजह से इसको साइनोवियल शीट भी कहा जाता है। यह ज़्यादातर वहाँ पे प्रेजेंट होती है साइनोवियल, जहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है और जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं इस डायग्राम पे, जैसे ये जो ब्लैक में है ये है डिजिटल शीट्स, ठीक है। और जो हमारी फोर फिंगर्स हैं उनकी जो डिजिटल शीट्स है वो लिंक होती है किससे, अल्नर बर्सा से। जो थंब की फ्लेक्सर शीट है वो हमारी लिंक्ड होती है रेडियल बर्सा से, ठीक है। तो ये याद रखना है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस टेंडन होता है थंब में, और बाकी इनमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था, अब तो ये देखो ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था, उसके अंदर ये जो चीज़ है ये है हमारा अल्नर बर्सा। अब इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और ऊपर आ रही है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और जो ये है हमारा फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, क्या कवर कर रहा है, रेडियल बर्सा, ठीक है। तो ये दोनों जो बर्सा हैं उसी को ही ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है।
और ये आगे फर्दर जाके बनाते हैं हमारे फाइब्रस फ्लेक्जर शीट्स बनाते हैं, ठीक है। और बस इतना ही है। और क्लिनिकल में आ जाते हैं कि फाइब्रस फ्लेक्जर शीट में होता क्या है, क्या क्या हो सकता है। अल्नर बर्साइटिस हो सकता है, बर्साइटिस आइटिस हो गया मतलब इन्फ्लामेशन, रेडियल बर्सा का अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको कहेंगे रेडियल बर्साइटिस। और ये किस वजह से हो सकता है, ओवर यूज़ की वजह से, ट्रोमा हो गया कोई, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, ठीक है। और एक होता है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में क्या होता है ना कि भाई जो एक जो हमारी फिंगर है वो एक बेंट पोजीशन में जो है स्टक हो जाती है, बेंट पोजीशन में स्टक हो जाती है। और इसको ट्रिगर फिंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो एक तो ऐसे एकदम से आवाज़ आती है ट्रिगर जैसे। तो फिंगर स्टक इन बेंट पोजीशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तभी ये ठीक होगी, अपने आप से ठीक नहीं होती है। और ये क्यों हो जाती है, ये भाई लोकल स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन की वजह से लोकल स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से इसी पोजीशन में बेंट रह जाती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नॉर्मली तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो फिर इसको सर्जिकली इंसाइज करना पड़ेगा फ्लेक्चर शीट को, ठीक है। तो बस इतना सा आसान था, अभी हाइप बना रखी होती है इन्होंने, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके।